अबे रुक 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 टाइगर की क्लो मार्किंग है ना, लेंथ देखिए इसे ऊपर पे। टाइगर के ये मेल टाइगर की क्लो मार्किंग है। यहाँ पे जो टाइगर है, टाइगर की क्लो मार्किंग बनाने के लिए एक मतलब टाइटरी मार्क करने के लिए ऐसे मार्क कर रखा है। ये थनेला है, ये देखिए कितना हिल रहा था, सिर्फ एक उंगली टच करने लग गया पूरा। गुदगुदी लगती है स्पीड में, ये एक तरह से गुदगुदी होती है इसे। इसको यहाँ छोड़ोगे तो ट्री का टॉप भी हिलने लग जाता है। ये भी एक तरह का एडवेंचर है, अंदर अलग ही टाइप का है कुछ। इस पर कहावत भी बोलते हैं कि 100 साल खड़ा, 100 साल पड़ा और 100 साल सड़ा, क्योंकि 300 ईयर लग जाते हैं इसे। साल का डिफरेंट है, साल के जैसे ही पत्ते जैसे गिरते हैं वैसे ही आतुआत क्या है ना, इसके पत्ते दोबारा आ जाते हैं। और ये पूरा नेचुरल ट्री है। कॉर्बेट में 90-80% जो है यही पाया जाता है ट्री, साल ट्री। और इस ओ भाई फाइनली ग्रेट हॉर्नबिल भी यहाँ पे दिख गई। वो दिख रही है, खाली पंख दिख रहे उसके, वो बैठी है, नहीं दिख रही यार, पंख दिख रहा है। इधर मूवमेंट रहती है क्या, डंडी पे क्रॉस करता है इधर, कई बार देख ले वैसे तुमने। आपका विलेज यहीं आसपास ही है? हाँ यही है। तो देखो विलेज की लाइफ भी है यहाँ पे, और काफ़ी बार भैया ने टाइगर की मूवमेंट भी देखी हुई है। Hey guys, welcome back to our YouTube channel Wildlife D-Zone। मैं आपका फ्रेंड एंड होस्ट दीपांगे खुलबे स्वागत करता हूँ आप सभी का आप लोगों के YouTube चैनल Wildlife D-Zone। और दोस्तों आज की सफारी होने वाली है फाटो जोन में, और बहुत ही अमेजिंग ये सफारी रहेगी। और अभी जस्ट हम अपने परमिट वगैरह ले रहे हैं, और यहाँ से हमारे साथ एक गाइड आएंगे, उसके बाद हम चलते हैं सफारी करने। और इस बार हमारे साथ सफारी करने जो चल रहे हैं उनसे आपको मिलाते हैं, क्योंकि वो है रणथंबोर के किंग, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस है सबको रणथंबोर में। तो उन्हीं के चक्कर में मैं रणथंबोर में सफारी करने गया था, तो अब आपको मिलाते हैं फाटो जोन में। तो ये हैं अपूर्व भाई और अर्पित भाई, प्रतीक और प्रतीक जी। तो करने वाले हैं फाटो की सफारी, तो कैसा लग रहा है, एक्साइटेड? जैसे ये हमारे कहने पे, जैसे ये रणथंबोर गए थे, इनके कहने पे हम 6 साल बाद कॉर्बेट आए हैं, सिर्फ इन्हीं के कहने पे, नहीं तो हम कॉर्बेट नहीं आते थे। तो देखो कॉर्बेट तक तो खींच के आया, तो अब साइटिंग भी ऐसी होगी ना, मतलब काफी चीजें देखने को मिल सकती है। तो ट्राई करते हैं और निकलते हैं अपनी सफारी पे। यस तो अपनी सफारी जैसे स्टार्ट हो रही है। वेलकम बैक माय फाटो जोन। और हमारे गाइड जी आ गए हैं, सुखदेव जी। जी सर, मेरा नाम, जैसा कि आप सर को तो पता है कि मेरा नाम सुखदेव सिंह है, और मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि मेरा नाम सुखदेव सिंह और मैं द नेचर गाइड। वेलकम टू माय फाटो जोन। और बेसिक से रूल है, फिर से आपको बताता हूँ क्योंकि आप रिकॉर्ड कर रहे हो तो बता देता हूँ, ठीक है। फर्स्ट रूल रहेगा कि गाड़ी से नीचे नहीं उतरना है। सेकेंड रूल रहेगा कोई भी चीज़ नीचे ड्रॉप नहीं करनी है। थर्ड रूल रहेगा कि स्मोकिंग ड्रिंकिंग ऐसा कुछ भी अलाउड नहीं, ठीक है। एंड राइट और लेफ्ट वॉच करते हुए चलना। कहीं भी आपको कोई भी चीज़ स्पॉट होती है, कोई भी एनिमल दिखता है, तो आप गाड़ी को रुकवा के इजीली देख सकते हो, ठीक है। और खड़े हो सकते हैं, फ़ोन वगैरह का ध्यान रखेंगे, फ़ोन वगैरह पर्स वगैरह कहीं गिर जाता है तो हमारी जंगल सफारी ख़राब हो सकती है। बाकी टाइगर साइटिंग तो हमने सुबह देखा ही था सर लोगों ने कि कैसी मूवमेंट थी, अच्छी मूवमेंट थी, और वहीं जाएंगे अभी भी हम, तो हो सकता है मे बी आज हमें टाइगर दिख जाए। सेकेंड ट्रिप है हमारी एक साथ। और बाकी राइट और लेफ्ट वॉच करते हुए चलिए, कहीं भी कुछ भी दिखता है तो गाड़ी रुकवा लीजिएगा, ठीक है। ओके जी, ओके। क्योंकि कोई अपडेट आया क्या उधर मूवमेंट वूवमेंट का? और यार सुबह की सफारी मैंने तो नहीं करी थी, लेकिन अपूर्व भाई ने करी थी, तो पूछते हैं उनका कैसा एक्सपीरियंस था। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, पूरा हर्ड दिखा एलिफेंट्स का, कॉल भी हुई, मतलब पहले अर्ली मॉर्निंग कॉल हुई, उसके बाद 1-1.5 घंटा कॉल नहीं हुई, हम पेशेंटली वहाँ खड़े रहे, उसके बाद वापस से आधा पौन घंटा कॉल हुई, लेकिन क्योंकि गाड़ियों का इतना मूवमेंट था उस चक्कर में टाइगर बाहर नहीं आया, बट हाँ अभी एक्सपेक्टेड है शायद कुछ हो सकता है। तो हम पहले उसी एरिया पे जा रहे हैं जहाँ पे मतलब की कॉल्स हुई थी सांबा डेयर की, कंटिन्यूस अलार्म कॉल सुबह मिली थी, और उसके बाद अभी हम चल रहे हैं सेकेंड हाफ की सफारी में।
तो अक्सर ऐसे वाटरफॉल में टाइगर और एलिफेंट पानी पीने के लिए आते हैं और बाकी जानवर। वो वाला उस पे हाँ, ये सामने लैंड उधर से निकल, नीचे पीछे से आए थे सारे यहाँ बैठ, जो वीडियो है देखा ना वीडियो आप, ये देखिए जगह पे दिखा था मॉर्निंग के टाइम में एलिफेंट्स जबरदस्त है लग रहा है। और अगर आप लोग फाटो जोन आए तो यहाँ पे ब्रेक करने के लिए एक कैंटीन है जिसके अंदर आप चाय वगैरह पी सकते हैं, और अगर आप लोगों को फ्रेश होना है तो यहाँ पे टॉयलेट भी है थोड़ा, यहाँ पे मतलब रेस्ट पॉइंट आपको मिल सकता है। और अगर आप स्टे भी करना चाहते हैं तो यहाँ से वन विभाग का गेस्ट हाउस है और एक प्यारा सा ट्री हाउस भी बना रखा है, तो वहाँ आप स्टे कर सकते हैं जिसकी आपको ऑनलाइन बुकिंग मिल जाएगी। तो हम लोग अभी तुरंत अपनी सफारी में जाएंगे। तो यार आज तो बारिश हो गई है लेकिन हम ऐसे कवर करते हैं अपने को, अंधेरा हो गया अच्छे करेंगे, और टाइगर को अंदर लाना पड़ेगा अच्छे सफारी। तो साबू भाई ने आज करवा दिया बारिश ये चीज पसंद नहीं है बारिश। तो यार इस पॉइंट में हम वेट कर रहे हैं कॉल हुई है सांबर कॉल सांबर देर की, लेकिन बारिश भी आ रही है। अपन आगे नहीं जा सकते साइड में लगेगी निकल जाएगी। तब सुखदेव भाई तुम ही कुछ बोलो यार फाटो जोन के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग। फाटो जोन में तो दो ही चीज़ें इंटरेस्टिंग थी हैं यहाँ पे, पहला पिंक वाटर और सेकंड ट्री हाउस जो कि कहीं नहीं मिलती हैं ये चीज़ें। सेकंड क्या है? यहाँ पे सर दो चीज़ें हैं ना मेन, फर्स्ट जो है कि पिंक वाटर रोल जो कि कॉर्बेट पे किसी भी कहीं भी नहीं मिलता है, यहाँ फाटो जोन में मिलता है। अभी आपने जो दो वाटर रोल देखे थे ना ये दोनों के दोनों क्या है विंटर में पिंक हो जाते हैं। हाँ ये जो वाटर रोल आगे सबसे लास्ट वाला जो वाटर रोल देखा था ये लास्ट ईयर पिंक हुआ था, और ये जो पहले वाला वाटर रोल है ये इससे ही पहले पिंक हुआ था बट इस साल नहीं पिंक हुआ। एंड बाकी ट्री हाउस बना रखा है, एक ट्री हाउस बनाया हुआ है जो कि नाइट स्टे के लिए बनाया हुआ है, एंड दो ट्री हाउस और बनाने हैं जिसमें आप नाइट स्टे कर सकते हो, वो धीरे धीरे बनेंगे। वहाँ पर डियर खड़े हैं बहुत सारे ग्रुप में, आई थिंक ग्रुप में है नहीं डिफरेंट ट्रैक पे जा रहे हैं वो चेक करने के लिए जहाँ पे सुबह टाइगर दिखा था, क्लो मार्किंग दिखाएंगे आपको, क्या पता लक बाय चांस साइटिंग हो जाए कहीं ना कहीं। अगर यही अगर बारिश नहीं होती तो आपको 90% चांसेस होते कि आप साइटिंग कर लेते टाइगर की, बट ये बारिश ने पूरा मोमेंट बिगाड़ दिया है। हाँ जैसे अभी आपकी कल इवनिंग की है ना सर, हाँ अगर आज बारिश ज़्यादा नहीं होती और कल को धूप निकल आती है तो चांसेस फिर बन जाएंगे कल इवनिंग को। हाँ बारिश ना ही हो तो ज़्यादा, अगर बारिश आज ज़्यादा बारिश हो गई या रात में हो गई फिर मुश्किल हो जाएगा कल इवनिंग में भी, मतलब दिक्कत हो जाएगी थोड़ी। पेड़ क्या होता है ना जहाँ भी आप जाओगे बहुत अच्छा नेचर बना के रखते हैं,
समर टाइम में क्या होता है ना, जैसे जैसे गर्मी आने लगती है तो हम ज्यादातर साल के पेड़ के नीचे जाते हैं, क्योंकि इसका मतलब जो होती है ना नेचर बहुत ठंडा रहता है यहाँ का, जिससे ज्यादा गर्मी महसूस नहीं होती, क्योंकि ये क्या करता है नमी को क्या करता है ना रिलीज करता है, मतलब समर टाइम में गर्मी में। और बहुत इधर से डाल दो। और दूसरी बात ये है कि ये साल का पेड़ जो है, मतलब इसमें ये नहीं होती कि पतझड़ होने के बाद ये ड्राई हो जाता है, जैसे आपने सागवान के पेड़ या अदर ट्री जो देखे होंगे वो क्या होते हैं ना, मतलब पतझड़ के टाइम पूरे ड्राई हो जाते हैं, नेक्स्ट सीजन रेन टाइम में फिर लीव आते हैं। बट साल का डिफरेंट है, साल के जैसे ही पत्ते जैसे गिरते हैं वैसे ही आतुआत क्या है ना इसके पत्ते दोबारा आ जाते हैं। और ये पूरा नेचुरल ट्री है, कॉर्बेट में 90-80% जो है यही पाया जाता है ट्री, साल ट्री। और इसकी एज भी जो बताई गई है 300 ईयर तक बताई गई, और बहुत स्ट्रांग है, दीमक भी जो है ना इसको जल्दी ख़त्म नहीं कर पाती। इस पर कहावत भी बोलते हैं कि 100 साल खड़ा, 100 साल पड़ा और 100 साल सड़ा, क्योंकि 300 ईयर लग जाते हैं इसे, काफ़ी स्ट्रांग है। पहले के टाइम में इसका क्या यूज़ करते थे, जो चौकट वगैरह बनाते थे या जो सर वो रेलवे पटरी में जो स्लीपर्स लगाए जाते थे ना, वो भी इसकी इसी के बना के लगाते थे, क्योंकि काफ़ी स्ट्रांग है ये। हाँ जी, बाकी बहुत सारे ट्रीज हैं यहाँ पे, लाइक साल, सागवान, रोहिणी एक्सेट्रा, 50+ तो ट्रीज हैं यहाँ पे, 60+ झाड़ियाँ हैं यहाँ पे, अलग अलग बुशेज। और सबसे ख़तरनाक जो झाड़ी मानी जाती है जंगल के अंदर वो मानी जाती है लेंटाना बुशेज, जो कि अगर कहीं एक जगह हो जाए तो लेंटाना बुशेज क्या करती है ना, दूसरे पेड़ को उसको ग्रो नहीं करने देती, उसकी जितनी भी ऊर्जा होती है सब अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेती है। और उससे क्या होता है, अभी आपको दिखाएंगे आगे एक एग्जांपल आगे, जो कि ग्रासलैंड एरिया है, बट ग्रास है नहीं अभी, उसे डेवलप किया जाएगा ग्रासलैंड के लिए। अभी कुछ पत्ते नहीं हिल रहे ना, अभी हाथ लगाएंगे इसे, ठीक है। अभी देखिए ऊपर, देखिए हिलने लग गया ऊपर से बिल्कुल टॉप पे, देखिए टॉप पे दिख रहा है हिलते हुए, हाँ थोड़ा बहुत, हाँ मारते रहो सब हिलने लग जाएगा। ये थनेला है, ये देखिए कितना हिल रहा था, सिर्फ एक उंगली टच कर दिया, करने लग गया पूरा, गुदगुदी लगती है इस पेड़ को, ये एक तरह से गुदगुदी होती है इसे, इसको यहाँ छोड़ोगे तो ट्री का टॉप भी हिलने लग जाता है। ये भी एक तरह का एडवेंचर है, अंदर अलग ही टाइप का है कुछ। इसीलिए सूखा सूखा है, अभी निकाला है, यहाँ पे ग्रास लगाई जाएगी जिससे इसका हैबिटेट अच्छा हो जाएगा और ग्रासलैंड एरिया डेवलप हो जाएगा। पूरा इन्होंने खत्म कर दिया तो हो सकता है कि इन फ्यूचर हम इस एरिया को ग्रासलैंड की तरह देखें। हाँ। काफी वाइड एरिया है, मतलब काफी सही है। टाइगर की क्लो मार्किंग है ना, लेंथ देखिए इसे, टाइगर की मेल टाइगर की क्लो मार्किंग है यहाँ पे, जो टाइगर है टाइगर की क्लो मार्किंग है, ढेला में जल्दी सेटिंग लग रहा है। स्पॉटेड डियर की कॉल, छोटा टच पर मिट्टी डाल रहा है, वीडियो बना रहा है, आ रहा है भाई।
अरे रुक 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 नहीं 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 बड़ा बड़ा अरे रुक जाओ छोटा टच करो मिट्टी डाल दे दूसरे बोर्ड से आएगा आ रहा है सबू थोड़ा दे थोड़ा दे दो सबू सबू बड़ा बड़ा अरे सबू दो अरे रुक 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 नहीं नहीं बड़ा बड़ा ना ना इधर ही है इधर ही है छोटा थोड़ा जी करिए थोड़ा जी करिए फिर दो अंदर गया फिर अंदर गया मेरा सामने आ गया ना ये इधर से आ रहा इधर से आ गया ना गाड़ी के पास गाड़ी बढ़ा के रखिएगा। तो यार वो कहते हैं ना फॉरेस्ट में कभी भी कुछ भी मूवमेंट अलग सी होती है तो सेम आज और ये मिल गया अलग हो गया लेकिन यार मतलब ये छोटा सा डस्कर है कैसे चार्ज किया यार देखो मतलब अनएक्सपेक्टेड है बिल्कुल भी। तो ये चीज है कि फॉरेस्ट में आए हो तो कुछ ना कुछ तो आप लेके ही जाओगे एक अलग टाइप का एक्सपीरियंस बहुत तेज होता है यार लगा नहीं था ना इतना तेज आओगे इधर मूवमेंट रहती है क्या पगडंडी पे क्रॉस करता है इधर कई बार देख ले वैसे तुमने आपका विलेज यहीं आसपास ही है हां यहीं तो देखो विलेज की लाइफ भी है यहां पे और काफी बार भैया ने टाइगर की मूवमेंट भी देखी हुई है यार। अब जाके धूप तो निकली है लेकिन टाइम काफ़ी कम रह गया है अब हमारे पास 20-25 मिनट है जिसके अंदर हमें गेट में भी पहुंचना है देर तक वहाँ हाथी नगा रहा था टाइगर की हिम्मत नहीं हुई बीच में आने की फिर जब हाथी अंदर गया फिर टाइगर बैठा आराम से वहाँ नहाने के लिए ये था सर ऐसे मतलब फोन से आया था बोलो ये टाइगर बैठा है ये हाथी बैठा है अरे एकदम पास ही है हाँ बहुत क्लोज इससे भी क्लोज चले गए थे ये तो गजब कोई था उस पर फोटोग्राफर तो ये वाटर हॉल है मालकुंड फोटो जोन और ये वॉच टावर अंग्रेजों के टाइम का है यार जबरदस्त कॉल थी जबरदस्त और लेकिन मतलब अभी टाइम कम है तो हमें जाना पड़ रहा है वो एक ही लास्ट मोमेंट है और जाते हुए अगर दिख जाता है तो बहुत जबरदस्त नहीं दिखता है तो कोई बात नहीं ग्रेड ऑन बिल भी यहाँ पे दिख गई वो दिख रही है खाली पंख दिख रहा है उसके वो बैठे नहीं दिख रही यार पंख दिख रहा भाग गए पहली बार देख अच्छा पहली बार धीरे करिएगा सब देख लो उसको
अभी हमें देखिए ग्रेट हॉर्नबिल, जो बर्ड्स का टाइगर हम बोले जाते हैं, टाइगर ऑफ बर्ड्स। और ऐसे ही हम पहुंच गए हम फाइनली गेट की तरफ, एग्जिट पॉइंट। थैंक यू सुखदेव भाई, आएंगे और कल दिखेगा हमें टाइगर जिसके लिए आए। अभी यहाँ से कैसे जाओगे? अभी बाइक है सर, चलो बाइक पे जाऊंगा। थैंक यू सुखदेव भैया, ओके सर, थैंक यू, नाइस टू सी यू। तो गाइस फाइनली हमारी सफारी आज की कंप्लीट हो गई है फाटो जोन में, और काफ़ी चीज़ें हमें देखने को मिली, जैसे कि टस्कन ने जो दौड़ा है वो तो सबसे खतरनाक था, और उसके बाद बारिश आ गई, तो बारिश के बाद धूप भी आई, और धूप के टाइम में मतलब काफ़ी ज़्यादा कॉलिंग भी थी स्पॉटेड डियर की, लेकिन टाइम काफ़ी कम था तो हम ज़्यादा देर रुक नहीं पाए। लेकिन उसके बाद जाते हुए हमें ग्रेट हॉर्नबिल भी मिला, जिसको टाइगर बर्ड्स ऑफ टाइगर बोला जाता है, तो काफ़ी अच्छी सफारी थी। बाकी है कि अपने साबू भाई आए तो साबू भाई के साथ तो हमारी रेगुलर साइडिंग होती है, मतलब रेगुलर सफारी होती है, और इस बार थे अपने साथ अपूर्व भाई और प्रतीक भाई। और कैसा लगा मतलब आप सभी को? बहुत बढ़िया लगा, जिम कॉर्बेट बहुत इंटरेस्टिंग, वैरायटी ऑफ जानवर देखने को मिले आज, नील गाय दौड़ाया हम लोग को, ट्रस्कन ने दौड़ाया, काफी कुछ कॉलिंग, काफी इंटरेस्टिंग रहा। It's genuinely been very good. और भैया की बहुत अच्छी फोटोग्राफी है आपका इंस्टाग्राम पेज, Life is wild 012। तो ज्यादातर रेगुलर रणथंबोर में सफारी करते हैं, तो आप लोग कांटेक्ट भी कर सकते हैं इनको रणथंबोर सफारी के लिए। तो आज के ब्लॉग को हम करते हैं क्लोज, और मिलते हैं दोबारा किसी और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।